हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक फेडरलिज्म को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका क्या रोल था, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, मतलब जिसमें हर चीज़ का एक रीज़न था कि ये चीज़ें कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है, जो मेन फीचर्स है इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की फीचर है, मेन फीचर है, वो है फेडरलिज्म। अब देखो फेडरलिज्म होता क्या है। तो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म बेसिकली क्या है कि किसी कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देख रही है। ठीक है, कुछ सर्टेन लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट है जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को देख रही है। ये बोलता है, इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म बेसिकली क्यों ज़रूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्यों है? तो देखो, फेडरलिज्म इसलिए ज़रूरी है। अब देखो, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, जिनका पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में, वो न्यू दिल्ली में बैठ के सारे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो लोकल पीपल, जैसे हो सकता है महाराष्ट्र के साथ कुछ ऐसे इश्यूज है जो दिल्ली के साथ नहीं है, यूपी के साथ कुछ ऐसे इशू है जो बिहार के साथ नहीं है। ठीक है, तो अब इन सबको अच्छे से देख रेख हो सके, इन सबको अच्छे से इनका सॉल्यूशन मिल सके, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे काम करना चाहिए। और वहीं हमारे गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चीज़ है जिससे हम क्या कर सके। अब देखो, अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब दोनों क्लास में सिंगल टीचर है, तो अब ये बताओ, जिस क्लास में 100 बच्चे उस क्लास में अच्छे से सिंगल टीचर बच्चों को कंट्रोल कर पाएगी, कि जिस क्लास में 20 बच्चे उस क्लास में अच्छे से टीचर कंट्रोल कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है 20 क्लास वाले बच्चों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे हैं, टीचर सबकी प्रॉब्लम सुन पाएगा। तो इसी तरह जब हम अपनी गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग है, ठीक है, पंचायती राज अलग है जो आप पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। तो देखो, अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया को सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ लोग देखना है, सबके लिए अलग अलग लोग है, सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग लोग है, और थोड़े लोगों के लिए एक अलग गवर्नमेंट है, फिर थोड़े ग्रुप ऑफ लोगों के लिए एक अलग गवर्नमेंट है। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी लोगों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ पा रही है, ठीक है, और यही है हमारे फेडरलिज्म में। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल वही चीज़ है, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है, जो पूरे इंडिया को बेसिकली देखती है, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की है, लोकल गवर्नमेंट सिटीज़ वगैरह की अलग अलग है, पंचायती राज जो आप पढ़ चुके हो, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आप क्लास 8 में आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, सो द सिंगल गवर्नमेंट कांट मेक ऑल डिसीजन प्रॉपरली फॉर एवरीवन। वहीं मैंने बताया कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग, ठीक है, तो सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट सारे लोगों के लिए अच्छे से डिसीजन नहीं बना सकती, सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती। इंस्टेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इवन जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी ज़रूरी है, जिससे क्या हो सके कि जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीजन उस प्रॉब्लम के हिसाब से, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स लिस्ट दैट टेल्स अस द पावर अंडर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन है कि हाँ, कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कौन सी पावर्स है और कौन सी पावर्स नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी पावर है, ठीक है, उनके अंडर, पंचायती राज के अंडर कौन कौन सी पावर है, ठीक है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती भाई हमारे अंदर ये पावर है, हमारे अंदर ये पावर है, सेंट्रल स्टेट बोलता हमारे अंदर ये पावर है, नहीं हमारे अंदर ये भी पावर है। तो इस तरह क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती, तो ये ना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ये चीज़ें हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टाइप गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। अब देखो कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स थे उन्होंने बनाया था, उन्होंने ये भी बता दिया
कि जो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इनको कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे, इनके सोर्स ऑफ इनकम भी बता दिए कि ये जो काम करेगी, जैसे जो लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए, जो उनको मनी की नीड पड़ेगी स्कूल्स वगैरह खुलवाने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाने के लिए, तो उनके लिए उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी इनके बता दिए, जिनसे इसमें भी कोई इशू ना हो, ठीक है। अब देखो, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म, द स्टेट्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब देखो, ये भी चीज़ है कि ये जो फेडरलिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है, उनके अंडर काम कर रही है, ठीक है, उनकी हर बात माननी पड़ेगी, ठीक है, या वो जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर अलग से उन्हें दी है कि हाँ, आपके पास ये पावर है, आप अपने ये डिसीजंस ले सकते हो, और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि हाँ, आप अगर ये चीज़ों पे डिसीजन दोगे अपने, तो वो सारी कंट्रीज के लोगों को, मतलब कंट्री के सारे लोगों को मानना पड़ेगा और सारे स्टेट्स को भी मानना पड़ेगा। ऑल पर्सन्स गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, ये अलग अलग लेवल जो पॉलिसीज बनाती है, जो लॉज बनाती है, वही हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और इसी तरह हमारी कंट्री में एक अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने देखो फेडरलिज्म डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट की फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज टॉपिक अच्छे से एकदम समझ आया होगा, अगर एकदम अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।